हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सभी की दुआओं से। तो फ्रेंड्स, आज आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक खुशी भी शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो YT फैमिली है उसमें 2 के मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारी YT फैमिली हो गई है 2 के फैमिली। हालाँकि 2 के प्लस हो चुके हैं और जन्माष्टमी के दिन ही 2 के मेंबर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं आप सभी को थैंक यू भी कहना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले इतना प्यार देने के लिए और मेरा साथ बनाए रखने के लिए। और क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो मैंने सोचा पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको थैंक यू बोलना बनता है और थैंक यू बोलने के बाद ही मैं अपना वीडियो शुरू करूँगी। सो आज फ्रेंड्स, ना ही मैं कोई रेसिपी लेकर आई हूँ और ना ही कोई व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो आप सबके साथ। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, उनका नाम ही मैं मेंशन वीडियो में अभी आपको साइड में दिखाई देगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि स्क्रब कैसे किया जाता है उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं स्क्रब कैसे किया जाता है उस पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब यूज़ करूँगी। एवरयूथ का वॉलनट एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब है ये, इसे मैं यूज़ करूँगी। मैं काफ़ी सालों से इसे ही यूज़ कर रही हूँ। इवन मैं 14 या 15 साल की होंगी तब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था, तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी मैं आपको इससे स्क्रब करके बताऊँगी किस तरीके से किया जाता है। वैसे सभी को आता है बट ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फेस पे, ओनली मैंने इसे धोया है। तो आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं अपने फेस पे तो उससे एक बार अच्छे से फेस को धो लें, उसके बाद ही स्क्रब करें। चेहरे पे किसी प्रकार का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए हमारे फेस पे, अच्छे से चेहरे को धोने के बाद ही स्क्रब करें। तो मैंने फेस को धो लिया है, तो आप चलिए चलते हैं स्क्रब करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्क्रब ले रही हूँ, इतनी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी होती है हमारे फेस के लिए। बाद में हमें अगर लगे कि थोड़ा कम लग रहा है या ड्राई हो रहा है तो हम और भी ले सकते हैं। तो ऐसे फिंगर्स में लेने के बाद आप इसे इस तरीके से करें और नोज वाले एरिया से आप इसे स्टार्ट करें। नोज वाले एरिया से हमें स्टार्ट करना है इसे, और इसे सर्क्यूलर मोशन पर हमें करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें करते जाना है और हल्के हाथों से ही करना है, ज़्यादा मतलब दबाव या प्रेशर नहीं डालना है हमें अपने फेस पर, इस तरीके से करना है। ये एरिया हो गया और नोज एरिया हो गया। यहाँ पर जो है ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं या वाइट हेड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हमें इस एरिया पे फोकस करना होता है मेन। तो सर्क्यूलर मोशन पे हमें करना है और फोरहेड पे भी हमें करना है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा फेस जो स्क्रब है वो और ले लूँगी। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा और लिया है, अब इसे मैं फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी। इसी तरीके से हमें सर्क्यूलर मोशन पे करना है, आँखों वाले एरिया से थोड़ा सा दूर रखना है और चिन में भी सॉरी नेक में भी करना है हमें इस तरीके से, ऊपर की साइड करते जाना है। और 4 से 5 मिनट हमें ये जो प्रोसेस है वो करना है फेस पे, इससे ज़्यादा नहीं करना। और इस स्क्रब से क्या होता है कि हमारी जो डेड स्किन है वो हट जाती है फेस से हमारे, और हमारा जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें स्क्रब करना है पूरे फेस पे, नोज पे, नोज के पास वाले एरिया पे, यहाँ पर और फोरहेड पर।
चार से पाँच मिनट बाद इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करते हुए हमें बस 5 मिनट तक ही करना है, और उसके बाद वापस से फेस को धो लेना है हमें अच्छे से। और वीक में कम से कम एक बार तो हमें स्क्रब करना ही चाहिए, और वीक में आप ना भी कर पाएँ तो 15 दिन में एक बार तो आप स्क्रब करें ही घर पर, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पार्लर जाएं और अपनी केयर करें, और स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है अपनी केयर करना। तो ये तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप घर बैठे ही अपनी केयर कर लें, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा स्क्रब हो चुका है, और अगर आपको ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा पानी ले लें और उससे इस तरीके से स्क्रब करें। तो ये मेरा स्क्रब हो चुका है, मैं फेस वॉश करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैं फेस धो के आ गई हूँ, क्लीन करके आ गई हूँ, और इसे आप किसी भी टॉवल से पोंछ ले हल्के हाथों से। बस टॉवल हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल यूज़ करें आप अपने फेस के लिए। तो ये मैंने क्लीन कर लिया है अपना फेस, और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है फेस मेरा, और आप देख सकते हैं इसका कमाल और कितना इजी है इसे यूज़ करना। तो पल्लवी सिंह जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप स्क्रब पर एक वीडियो बनाएं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाई है। आप जो भी स्क्रब यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट मैं एवरयूथ का स्क्रब यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने एवरयूथ का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, स्क्रब करने के बाद हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपको स्क्रब करने के बाद फेस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, क्योंकि क्रीम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गला मेरा ख़राब है तो उसे अवॉइड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले ली है, इतनी काफ़ी होती है। इसे आप फेस पे अप्लाई कर लें, पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लें इस तरीके से हल्के हाथों से। बस इस तरीके से, तो देखिए फेस कितना क्लीन हो चुका है, और फेस पे एक अलग सा ग्लो भी आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड पे। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर यूज़फुल हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।